दोस्तों जय श्री कृष्णा। और आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और वीडियो देखते होंगे। तो आप लोग भाई मेरी जो वीडियो देखते हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और कमेंट में बताइए आपको क्या अच्छा लगा है। अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं है तो कोई और से कमेंट करवा लीजिए, उसमें लिखवा लीजिए नर्मदे हर, तो आप लिखवाइएगा, क्योंकि इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट मुझे दो चार ही आते हैं। तो आप सभी से बार बार यही निवेदन करूंगा, मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक भेजा पाऊँ, और उसमें मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। मुझे अच्छा मोबाइल भी चाहिए, क्योंकि ये मोबाइल मेरा हैंग होने लगा है। तो मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो नर्मदा मैया कृपा से वैसे पैसे पैसे हो जाने वाले हैं। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा पाऊँ। तो नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दलिया बना दा, जल्दी खा लो बच्चा, लो खा लो, आज फिर खा लो दलिया, खा लो, गर्म है बहुत, हाथ जल जाएगा। लेकिन जो बाटल से नहीं बोलते बच्ची, रख दो पापा, पापा मैं पिलाऊंगा, गिलास में पिलाऊंगा, हैं जाम नहीं पिला पाऊंगा मैं। हाँ हाँ, एक साइड रख दे पक्का, पापा बुला रहा है, क्या मैं पहले दलियो खाया हूँ फिर आ रही, बोल दे दलियो खिला दो फिर लेके आऊंगा मैं। कौन सो खाली के लिए सूरन डालो, अबे नहीं देखो मैंने, बोल दो बड़े पापा अभी आ रही थोड़ी देर से, नहीं जय माता कर ले जल्दी कर हाथ से, नहीं जय देखो ऊंचे हाथ कर कर लवन, जय माता की, जय माता की, जल्दी बोलो, जल्दी जोर से बोल दो, जय माता की। मम्मा कह रही है कि बहुत शरारती बच्ची मेरी, बच्ची खा ले जल्दी यार, मत कर परेशान, जल्दी देर हो रही, कान्हा जी का पूजन करना, अबे दलियो खिला रहा भाई, गुड़िया का है, उठा के बकरी दलियो देख, पूरी बट के उठा ली बाने, अच्छा लगो, अच्छा लगे दलिया, आ आ आ, नहीं खा रही भाई, देख कितना नखरा कर रही, लो जल्दी खा ले, आजा आजा जल्दी जल्दी जल्दी, लो फिर पी पी बैठेंगा, अजा पी 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 पी, जल्दी आजा, नहीं आ रही, अच्छा मैं चलो चल रहा मैं, आजा आजा जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं आ रही, मैं चलो, अच्छा मैं जा रहा, लो जल्दी खा ले, ले कितनी मोड़ी मैं करा ढुका रही, वो गिर गई, नाच के ऐसे दिखाते, एक बार नाच के दिखाओ, जल्दी दिखाओ नाच के, हाँ वाह भाई वाह वाह वाह, अच्छा नाच रही है, आ गई जी आ गई, आ जाओ खा लो, बता जी कपड़ा तेरा, जल्दी बता दो भाई, ये भाई बता कहीं नया कपड़ा पहना भाई के, जल्दी बताया, जल्दी जल्दी बता दो भाई के लेने, भाई देख भाई नया कपड़ा पहना, बाबा की बुआ के पास गई अब तो, अच्छा लग रहा है भगवान ने कह दी, अच्छा लग रहा है, अब नाच के बता दे गुड़िया एक बार, अब नाच के बता, जल्दी नाच के बता सबके लेने, जल्दी नाच, नाच दे गुड़िया, ओ गुड़िया जब से दलियो खा नहीं, और अब देख नीचे उठा उठा खा रही है नहीं, पगली खाएगी, अरे भाई जीभ से चाट रही नीचे ऐसे, पता है जो देखो देख जीभ से चाट के खा रही, जो देखिए जल्दी 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 आओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, जय श्री कृष्ण। और आज कान्हा जी को मैंने मिश्री तुलसी पत्ती और नर्मदा जी का जल तुलसी पत्ती के साथ भोजन में रखा है, और कान्हा जी बहुत खुश है, क्योंकि तुलसी पत्ती कान्हा जी को बहुत प्रिय है, तो जो भी भोग होता है उसमें कान्हा जी तुलसी पत्ती जरूर खाते हैं। हाँ टाटा गुड़िया है, जा रहा है ये मती तू, जब गुड़िया क्यों आ रही मेरकन भैया, मैं जा रहा तो थोड़ी बोल रहा, तू चल, मैं तो टाटा नहीं कर रहा, टाटा टाटा जा रहा जा रहा, भुआ कन रहे तू, जब भुआ बैठी भुआ कन रहे, बस समझ गई गाड़ी में बैठे हो जो, देखो भैया गुड़िया रानी का है, कहाँ थी और कहाँ आ गई गाड़ी सुन के, नहीं कि मैं जा रहा हूँ तो आ गई पहले से पहले, गुड़िया ए गुड़िया गुड़िया ए गुड़िया, भैया तू गाड़ी में नहीं बैठानू मैं तेरे का, नहीं बैठानू, चल हट जा एक साइड, हट जा एक साइड जल्दी, मैं नहीं बैठान रहा तेरे का, हट जा, चलो जो गुड़िया हटाओ भैया, मैं तू नहीं बैठानू अब बिल्कुल, मैं जान दे भिन्ना जान दो, नहीं नहीं बैठा रहा, भाई गुड़िया दानी कर दूं, ध्यान रखिए भाई को सबको।
बस बस गुड़िया जानी कर खिला रहा मैं एक बार है जैसे राधे राधे जा रहा हूँ है। अब नहीं देखेगी अब गाड़ी बैठ गई ना। चला भैया मैं धान का रोपा हो गया है। देखिए यहाँ धान का रोपा होगा और मजदूर लोग जो है धान का रोपा फाड़ रहा है। इसमें खेत में मचाई का काम चलने लगा है तो इसमें अब धान लगेगी। ये देखिए पानी भरा हुआ और खेत मच रहा है। बाबा जी परिक्रमा कर रहे हैं। बाबा जी आप कौन से जिले से आए? अहमदाबाद से। नहीं तो बाबा जी नर्मदा परिक्रमा करते हुए कितने दिन होगा, थोड़ा जानकारी देंगे आप? 3 महीने हो गए। और बाबा जी अब तो चतुर्मास लगने वाला है तो अब आप रुकेंगे कहाँ? हमारे चतुर्मास से पहले हो गया था। हो जाएगा। तो बाबा जी कुछ और भी आपसे मैं जानना चाहूँगा, मतलब नर्मदा परिक्रमा आप कर रहे हैं तो थोड़ा नर्मदा मैया के महत्व के बारे में और मेरे चैनल के माध्यम से नहीं आपको जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? वैसे तो कहने के लिए तो ज़्यादा नहीं है जी, पर मैया की अनुभूति जो है जी वो आपको प्रत्यक्ष करने के लिए निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है जी। मन में श्रद्धा हो तो ही तो आपको अनुभूति होती है जी, वरना आपको किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होती जी। जैसे हमारे घर परिवार में जी माता है, भाई है, बहन है जी, उनके प्रति हमारे मन में प्रेम हो जी तो सामने वाले को उस प्रेम का आभास होता है जी कि यह हम व्यक्ति हमसे प्रेम करता है जी। उसी प्रकार जब हम मैया से प्रेम करके उसकी परिक्रमा में निकलते हैं या फिर उसके दर्शन को जाते हैं जी तो अवश्य ही अनुभूतियाँ होती है जी। वो शब्दों से बयान नहीं हो सकता, वो चीज़ जो है वो अनुभव करने की बात है जी। तो बाबा जी आप मतलब चतुर्मास काटेंगे, मतलब आपकी परिक्रमा कहाँ पूरी होगी? लेकिन ओमकारेश्वर में तो आप कर सकते हैं अभी तो पूरी है ना? हाँ हो जाएगी, पूरी कर लेंगे। मतलब अब चतुर्मास में तभी थोड़ा समय है, 15-20 दिन का और भी है। तो बाबा जी यहाँ तो आप जाएंगे अभी तो पहले सेठानी घाट, उसके बाद में फिर आप खोजनपुर होते हुए डोंगरवाड़ा, हाथलपुर और रंडहाल के 1 किलोमीटर आगे गोआश्रम सातधारा बादानगिरी जी महाराज का आश्रम है बाबा जी। यहाँ परिक्रमावासी बाबाओं की सेवा होती है, बहुत ही अच्छी भजन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है वो, जहाँ आप रुक सकते हैं। नर्मदा भैया के साथ धार भी बाबा जी वहाँ पे नहीं। बाबा जी और भी कुछ ज्ञान की बात अगर आप कहना चाहें तो कह दीजिए। हम तो बस इतना कहना जिससे व्यक्ति को थोड़ी प्रेरणा मिले। अगर व्यक्ति को सच में प्रेरणा चाहिए जी तो ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे जी, लेकिन हम जो है अपने आप को हमें जानना चाहिए जी। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं तो अपने धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए और अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए जी। और उसको जानने के लिए हमारे ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ हैं जी। आप अपनी जो पढ़ाई करते हो, जो काम करते हो करते रहे, लेकिन साथ में इन्हें थोड़ा बहुत पढ़े जी, ज्ञान लेने के लिए पढ़े। अगर आपको श्रद्धा नहीं है, आप भक्ति से ना पढ़े कोई बात नहीं जी, लेकिन तर्क वितर्क करने के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा नॉलेज होगा। और अगर आपको फिर ज्ञान मिलता है तो बहुत बड़ी बात है, आपको श्रद्धा रहेगी। और अपने बच्चों को भी ये सब सिखाना चाहिए कि ताकि वो कन्वर्ट ना हो सके। आजकल ये जो कन्वर्टेशन का चल रहा है वो ना हो, आगे ना बढ़े। आपके बच्चों को आपके धर्म के प्रति मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए जी। उसके लिए मरने की खुमारी होनी चाहिए जी। जीवन में जो आत्मसम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहे वही व्यक्ति जिंदा है, बाकी सब मुर्दा के समान है। और आत्मसम्मान आता है अपने धर्म को जानने से, अपने प्रति अपने आप को जानने से, अपने ज्ञान को जानने से ही आत्मसम्मान पैदा होता है। उसके लिए मरना भी चाह पड़े तो मरने वाला व्यक्ति ही जीवित है, वरना बाकी सब तो ठीक है, मुर्दा के समान ही। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया है। नर्मदे हर, बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके। नहीं नर्मदे हर बाबा जी। और ये खेड़ापति परिसर है जहाँ पर खेड़ापति मैया का मंदिर है भाई, सामने जो देखिए, और बाबा जी यहीं से निकलते हैं। तो आज भी एक बाबा के दर्शन हो गए, मैंने सोचा तो नहीं था कि यार दर्शन हो पाएंगे, लेकिन नर्मदा मैया की कृपा है। जो नर्मदा मैया को सच्चे मन से भजता है वो नर्मदा मैया उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। तो मेरी तो यही रहती है कि भैया आप लोगों को, मैं बाबा लोगों के दर्शन करा दूं, तो दर्शन हो गए। नर्मदे हर। क्या नाम होगा तुम्हारे पास? 3 नाम हो गए। वाह यार,
आम हमेशा मीठे फल देता है, देखिए आम की तरह बनना चाहिए, लोग उसे पत्थर मारते हैं और वो बदले में देता है आम। कितने का है फुग्गा भैया? भाई यार बहुत सुंदर लग रहा है।